लगा ट्रेलर आपको? ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था, एकदम मस्त। अच्छा, इस ट्रेलर के अंदर आपको एक्शन की जो झलक देखने के लिए मिले वो किस टाइप की देखने के लिए मिली? मतलब एकदम वायलेंट एक्शन था, जो आदित्य रॉय कपूर का एक सीन था गन के साथ में, एकदम ओपी सा फाड़ू ट्रेलर था। अच्छा, आपने बागी 3 का ट्रेलर देखा इसके पहले? हाँ। तो आपको लगा कहीं ना कहीं बागी 3 और ये दोनों मूवी मैच हो रही है? मतलब नॉट सो मच, थोड़ा थोड़ा मैच हो रही थी। अच्छा, और इस फिल्म में ना बॉडी कैसे लगी आपको? अरे भाई माशाल्लाह, मतलब कि अच्छा लगी आदित्य रॉय कपूर की बॉडी। हाँ। इस फिल्म में कहना उनके अपोजिट है संजना सिंघानिया, शायद से अपोजिट या फिर कोई दूसरी एक्टर भी हो सकती है, उनकी एक्टिंग कैसी लगी? ठीक 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 ठीक। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने फिल्म बनाई थी ना, वाली एक हीरोइन थी, अच्छी लगी? अच्छी थी। अच्छा, इस फिल्म में कितना और भी अदर कैरेक्टर है, जैसे कि अपने जेकी शॉप हो गए, और आपको ना मालूम है उनकी एक्टिंग काफ़ी ब्रिलियंट रहती है मूवी के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस इस मूवी को देखने आएगी? मेरे को तो लगता है पूरा बॉक्स ऑफिस फुल होने वाला है, बहुत अच्छी मूवी निकलने वाली है। अच्छा, आप आएंगे कि नहीं आएंगे इस मूवी? पक्का आएंगे। अच्छा, जब आपने ट्रेलर देखना शुरू करा तो आपने कभी एक्सेप्ट करा था कि आदित्य रॉय कपूर जैसा एक्टर इतनी ब्रिलियंट मूवी लेके आ सकता है? आदित्य रॉय कपूर का ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादातर रोमांटिक मूवीज़ करता है। हाँ। या फिर ऐसे एडल्ट मूवीज़ करता है, जैसे ये जवानी है दीवानी। हाँ। ऐसी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। आशिकी 2 भी तो है। हाँ, आशिकी 2 ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, तो इस मूवी के अंदर जो आपने ट्रेलर देखा अभी तो इनको बहुत अच्छा लगा, आप मेरे को बताइए आपको ट्रेलर के अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगी? ट्रेलर में एज सच मुझे ये अच्छा लगा उसके एक्शंस वगैरह, जैसे कि उसने रोमांटिक अपने एक्शन रोमांटिक सेट के वो एक्शन की तरफ थोड़ा स्विच हुआ, ये थोड़ा अच्छा लगा उसका जो चेंज आया। हाँ, इम्प्रूवमेंट करा उसने बहुत। इस फिल्म में आपको अदर दूसरा एक करेक्टर ऐसा कुछ जैसे आशुतोष राणा जी हो गए, उनकी एक्टिंग कैसे लगी? उनकी तो एज ऑब्वियस अच्छी रहती है, वो साइड कैरेक्टर निभाते बट बहुत अच्छा निभाते हैं वो कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर में फिट आता है। प्रकाश राज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो गजब लीजेंड है, वो तो लीजेंड है, गजब एक्टर है वो तो, हर मूवी में कोई सी भी मूवी में डाल दो आप, रोमांटिक एक्शन सब में वो बढ़िया ही चलते हैं। क्या लगता है कि जब ये मूवी फर्स्ट डे रिलीज होगी तो कितने करोड़ की ओपनिंग ले सकती है, 5 करोड़, 6 करोड़ या फिर 10 करोड़? अभी आदित्य रॉय कपूर के सबके मन में इमेज यही है कि वो रोमांटिक हीरो है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब उसकी माउथ पब्लिसिटी होगी तब हाँ। वो अच्छा करेगी, स्टार्टिंग में उसका थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, 2-3 करोड़ के आसपास ओपनिंग लग रही है। हाँ बिल्कुल, ये आपको सही बोला आपने, क्योंकि आजकल बॉलीवुड की मूवी दिखाती कुछ और है और बताती कुछ और है, इसलिए सभी के माइंड के अंदर ये डाउट बना हुआ है कि कहीं ये फिल्म बागी 3 की तरह नहीं निकल जाए, नहीं तो लोग थिएटर के अंदर ही सर फोड़ लेंगे अपना। बाकी ठीक है, इसके अपोजिट अगर आप एक्शन की बात करें तो उसके विजुअल्स और VFX कैसे लगे आपको? बढ़िया, वो सब बढ़िया लगे, वो तो अच्छे आदित्य रॉय कपूर ने जिस हिसाब से एक्शन वगैरह करा। हाँ। उसके साथ उसका जो VFX वगैरह था वो बहुत गजब का था। अच्छा, मैच हो रहा था, मैच हो रहा था पूरा। इस फिल्म में करना आपको क्या लगता है कि जो विलन होगा तगड़ा निकलेगा? हो सकता है, क्योंकि लगभग बॉलीवुड ऐसी मूवीज बनाती है जिसमें विलन को थोड़ा पावरफुल बताती है, फिर एंड में जाके हीरो अपना एक्शन दिखाता है और उसमें फिर जीतता है। बॉलीवुड का ऐसा ट्रेंड रहा है। अच्छा। अब देखते चेंज कर पाता है ट्रेंड या नहीं। अच्छा, तो इस फिल्म में यानी कि जो ओम मूवी है, ओम द वेटल साइस ऐसा कुछ नाम है मूवी का, तो इस मूवी से आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये फिल्म अपना बजट निकाल पाएगी? मतलब 70 से 75 करोड़ के आसपास का बजट है इस मूवी का, निकाल सकती है? क्योंकि अभी जिस हिसाब से बॉलीवुड की एक दो मूवीज आई है उसने थोड़ा अच्छा कमाया है। अच्छा। तो हो सकता है कि बॉलीवुड के अभी लोगों का ट्रस्ट साउथ की मूवीज पे ज्यादा गया है, बट अब हो सकता है कि ओम को देख के थोड़ा लोगों का ट्रस्ट बढ़े बॉलीवुड। अच्छा। पे वापस, मतलब कि आप रिकमेंड करेंगे ऑडियंस को ये मूवी देखने आना चाहिए? हाँ, ट्रेलर को देख के लगता है कि अच्छी लगी है, अब देखते हैं अब जिस हिसाब से माउथ पब्लिसिटी होती है लोगों को क्या लगता है, रिव्यूज थोड़े आए मूवीज देख के फिर कह सकते हैं, अभी एज सच बता नहीं सकते, बट देखनी चाहिए। सर कैसी लगी आपको? बढ़िया। मुझे मतलब ट्रेलर कैसा लगा आपको? झकास। ट्रेलर के अंदर आपको बॉडी कैसे लगी आदित्य रॉय कपूर की? वो तो हमेशा से ही बढ़िया है। अच्छा, आप ऐसी बॉडी क्यों नहीं बनाते हो? फैमिली पैक लेके क्यों घूम रहे हो आप अभी? फैमिली पैक तो बचपन से ही करना नहीं 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 अभी तो अभी लॉकडाउन में हुआ है वैसे तो। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब आपने ट्रेलर को देखा तो फिल्म में जो एक्शन था वो कहीं ओवर तो नहीं हो रहा है? आप पहले सोच लीजिए। तो सर आप रिकमेंड कर रहे हैं कि ऑडियंस इस मूवी को देखने आएंगे, बाकी अगर ऑडियंस को लगता है कि ये मूवी नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो मेरी अदर वीडियोस थी उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि ये जो मूवी है ये शायद से बागी 3 तेज से नहीं निकल जाए, क्योंकि एक काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर ने इस फिल्म में कहना हाथ डाला है, अहमद खान। और उनका जिस मूवी के ना हाथ डल जाता है ना वो मूवी की 12 बज जाती है, ऐसा ऑडियंस का कहना है। अब आपकी ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में? अब जिस हिसाब से उसने मतलब अभी थोड़ी ट्रेलर जिस हिसाब से उसका रहा है। हाँ। ऐसा लगता है कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा कम कमाएगी,
बट जैसे जैसे उसका मतलब दिन बढ़ते जाएंगे वो अपना कलेक्शन निकाल लेगी, मेरे को ऐसा लगता है वो हिट रहेगी, ब्लॉकबस्टर सुपर हिट कैटेगरी में नहीं जा पाएगी। प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते बट सबको एक चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल, और आदित्य रॉय कपूर जैसा तो बेस्ट एक्टर है, उसके आशिकी 2 और फिर वो ये जवानी है दीवानी।